नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। नोटबंदी के बाद जाली करेंसी से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे पाकिस्तान को झटका लगा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नेपाल के रास्ते बिहार में 1000 और 500 के नोटों की सप्लाई करती थी और यहाँ से पूरे देश में नकली नोट को भेजा जाता था। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर यह काला कारोबार बंद हो गया था। पाकिस्तान अब 2000 के नकली नोट छापकर भारत भेज रहा है। इसके लिए पहले की तरह बिहार का रास्ता चुना गया है, लेकिन अब नेपाल के बदले बांग्लादेश से जाली नोट की तस्करी हो रही है। बांग्लादेश के रास्ते नकली नोट की खेप लेकर शनिवार की रात बेतिया पहुंचे तस्क रसोजेबुल शेख को DRI ने गिरफ्तार किया। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। सोजेबुल के पास से 2000 के 39 नए नोट 78,000 बरामद किए गए हैं। नकली नोट पाकिस्तान में प्रिंट गए हैं। बांग्लादेश के नवाबगंज से नकली नोट की खेप लेकर सोजेबुल शेख सीमा पार करके बेतिया मंडी में खपाने आया था। वह पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक थाना के मोहब्बतपुर गांव का है। ISI ने नकली नोट को बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में पहुँचाने के लिए नए रूट के साथ ही नए टारगेट बनाए हैं। बांग्लादेश के जरिए नकली नोट की तस्करी करने के साथ ही पश्चिम बंगाल के मालदा को मेन सेंटर बनाया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार तस्कर ने खुलासा किया कि नकली नोट की ताज़ा खेप को बिहार के अलावा दिल्ली, पंजाब व अन्य राज्यों की मंडियों में खपाने की प्लानिंग के तहत लाखों की खेप के साथ तस्कर सक्रिय हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि 8 नवम्बर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद बिहार ही नहीं बल्कि देश में पहली बार पाकिस्तान निर्मित नकली नोट की खेप पकड़ी गई है। इसके पहले स्कैन या फोटोकॉपी किए गए नकली नोट की बरामद की हुई है। तफ्तीश के दौर न बरामद नकली नोट की हाई क्वालिटी देखकर अफसर भी चौंक गए। ओरिजिनल इंडियन करेंसी में करीब 1.5 दर्जन सुरक्षा फीचर्स हैं। इनमें अधिकांश फीचर्स नकली नोट में उपलब्ध हैं। पेपर व प्रिंट की क्वालिटी कमोबेश एक जैसी है। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।